नमस्कार, आइए इस हाथ पर प्रकाश डाल लेते हैं। उससे पहले देंगे हम आपको एक जरूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए एक हमने नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस हाथ की कनिष्ठा उंगली से। कनिष्ठा उंगली पूर्ण रूप से सीधी खड़ी हुई है। ना कनिष्ठा उंगली में कोई कट है, ना टेढ़ापन है। और जहाँ तक कहा जाता है, सूर्य के प्रथम पर्व तक यदि कनिष्ठा उंगली पहुँच जाती है तो ये व्यक्ति की बुद्धिमत्ता के लिए अच्छी है। व्यक्ति की वाक शक्ति, बुद्धिमानी, वाणी, अपनी बात को दूसरे को समझाना, वाणिज्य, इन सब के लिए ये बहुत हद तक बेहतर है। बात करते हैं सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली पूर्ण रूप से स्पष्ट सरल रूप से खड़ी हुई है, लेकिन शनि पर्वत से इसका थोड़ा सा अलगाव। परिवार जनों से वैचारिक मतभेदता दिखाता है। साथ ही साथ ऐसे लोग जीवन में किसी सरकारी कार्यक्षेत्र से जुड़कर भी पैसा कमा सकते हैं। शनि की उंगली पूर्ण रूप से स्पष्ट सीधी सरल खड़ी हुई है। ना कोई दाग, ना धब्बा, ना कोई कट। इसका मतलब प्रोफेशनली कहीं ना कहीं यह स्थिति बेहतर है। व्यक्ति को कर्मठ बनाती है, अपने काम के प्रति सीरस रखती है। बृहस्पति की उंगली सूर्य की उंगली से भी ऊपर निकल चुकी है, सीधी सरल स्पष्ट खड़ी हुई है। व्यक्ति स्वाभिमानी है तो थोड़ा सा अहंकारी भी है। पैसे की तरफ व्यक्ति का रुझान होता है और व्यक्ति जीवन में पैसा कमाता भी है। बात कर लेते हैं बुध पर्वत की। अभी बात करी बुध उंगली बहुत बेहतर, और बुध पर्वत को देखिएगा आप। बुध पर्वत एक सम पर्वत है, सम पर्वत है, और इस पर किसी प्रकार की कोई ज़्यादा बड़ी बढ़िया रेखाएं मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि भाई ये एक व्यापारिक हाथ तो नहीं है। ऐसे लोग ज़्यादा बढ़िया व्यापार तो जीवन में कर नहीं सकते, लेकिन हाँ नौकरी के क्षेत्र में देखें तो अच्छा पैसा यहाँ अर्न कर सकते हैं। पर्वत सम है, इनको इस प्रकार की पुष्टता देगा। थोड़ी सी यहाँ पर रेखाएं, अगर इनको मैं इनकी वैवाहिक रेखा देखूँ तो बड़ी मोटी है और थोड़ा टर्न ली हुई है नीचे की तरफ है। इसके बारे में मैं भी आपसे भी चर्चा करूँगा। यहाँ पर देखें तो मुझे कुछ धुंधला सा यहाँ एक ऐसी एक ही रेखा दिखाई देती है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो उसका कोई विशेष फल यहाँ नहीं है। ये आई है सूर्य का पर्वत, जो कि सूर्य पर्वत कहलाता है, सम पर्वत। सम पर्वत पर खड़ी हुई इस प्रकार की ये रेखाएं, सम पर्वत का मतलब अधिकतर यही होता है कि उस भाव से, उस घर से संबंधित व्यक्ति को साधन मिल जाते हैं। पर्वत अगर सम हो तो सूर्य मतलब होता है प्रसिद्धि, मान सम्मान, आसपास के लोगों में उठना बैठना, राजनीतिक के लोगों से भी संबंध कहीं ना कहीं यहाँ बन जाते हैं। अब मंगल के क्षेत्र से एक रेखा निकली और पहुंच गई सूर्य के क्षेत्र तक। मंगल और सूर्य, अगर मंगल सेनापति है तो सूर्य राजा है, मंगल यदि साहस है तो सूर्य सरकार है। यानी व्यक्ति ऐसे जीव व्यक्ति जीवन में सरकारी कामकाज से जुड़कर, सरकारी नौकरियों से जुड़कर, सरकारी टेंडर से जुड़कर, या सरकार के ऐसे उपक्रम जिनका प्राइवेट तौर पे काम हो रहा हो उनसे जुड़कर ऐसा व्यक्ति लाभ कमा लेता है। कभी कभी ऐसे लोग ठेकेदारी, कंस्ट्रक्शन के काम में, या सरकारी ठेका आदि ले लिया उसमें भी, क्योंकि मंगल इन सब चीज़ों का कारक है। शनि क्षेत्र की बात करें, शनि क्षेत्र पर जाती हुई सीधी सरल स्पष्ट एक रेखा, ये अपने आप में एक अच्छी रेखा है, धन रेखा के नाम से जानी गई है। व्यक्ति जीवन में अपने बल पर अच्छा खासा पैसा कमा लेगा। बृहस्पति क्षेत्र पर उठने वाली इस प्रकार की रेखाएं, और साथ ही साथ बृहस्पति क्षेत्र है एक सम क्षेत्र। सम क्षेत्र अपने आप में बहुत अच्छा होता है। पर्वत यदि सम है, ना उठे हुए हैं ना दबे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। व्यक्ति जीवन में अच्छा पैसा कमाएगा, अपने बल पर मकान बना लेगा, और ऐसे लोग के पास अपने सिर ढकने के लिए स्वयं की जगह भी होती है। बात करते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा पूर्ण रूप से स्पष्ट और सरल है, सीधी हृदय रेखा, ना कोई उसके ऊपर काट छाट है। लेकिन यहाँ से जो मंगल रेखा निकली है, इसने हृदय रेखा को काटा है। सिर्फ एक ही रेखा एक ऐसी है जिसने हृदय रेखा को दूषित किया है, वरना व्यक्ति सीधा सरल स्पष्ट है, अपनी बात को सामने वाले के मुंह पर बोल देता है। ऐसे लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन मंगल का कटाक्ष इस बात को भी तय करता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में वैचारिक मतभेदता भी दिखाता है। मस्तिष्क रेखा, इस हाथ की मस्तिष्क रेखा बड़ी अजीबोगरीब है। देखिए ये आई है मस्तिष्क रेखा, कई रूप से कटी हुई, शुरुआती तौर पे कई रूप से कटी हुई मस्तिष्क रेखा है, और यहाँ पर इसने एक प्रकार का एक दीप भी बनाया है, और ये मस्तिष्क रेखा यहाँ गई है। ये जो मस्तिष्क रेखा का एंड है, ये 35 वर्ष तक का है,
और इस पर इतनी ज्यादा काट छाट का होना कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में अच्छा खासा संघर्ष पिछले समय में शो कर रहा है। लेकिन अब बात आती है 35वें वर्ष के बाद, आपकी ये मस्तिष्क रेखा दो भागों में डिवाइड हो गई, एक इधर चली गई और एक बुध पर्वत की तरफ चली गई। यानी व्यक्ति ज्ञान से, यात्राओं से भी पैसा कमाना चाह रहा है, साथ ही साथ व्यक्ति का एक मन व्यापार की तरफ भी जा रहा है कि मैं कोई व्यापार कर लूं या व्यापार से पैसा कमा लूं। मैंने ऐसे लोगों को दोनों तौर से पैसा कमाते देखा है। मस्तिष्क रेखा का दो भागों में डिवाइड होना यानी मन दो जगह डोलना, कोई नौकरी से व्यापार से, नौकरी से व्यापार से, नौकरी से व्यापार से, दोनों तरफ से कोई ना कोई पैसा कमाने का साधन व्यक्ति ढूंढता रहता है। लेकिन उसको इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि मस्तिष्क एक बार बना हुआ इस प्रकार का दीप व्यक्ति को जीवन में प्रॉब्लम भी दे सकता है। ऐसे लोग अपनी बातों को गोपनीयता तौर पर रखते हैं, इनकी बातों को समझना, इनके स्वभाव को समझना इतना आसान नहीं है। साथ ही साथ मस्तिष्क रेखा को भी मंगल रेखा इस प्रकार से ये काट रही हैं, तो ये भी अपने आप में एक इंडिकेशन है कि अपने मन के ऊपर काबू रखिएगा, नहीं तो आपको नुकसान की संभावनाएं दिखती हैं। चलिए बात करते हैं इनकी आयु रेखा की। ये देखिए, इनकी आयु रेखा थोड़ी सी बलवती होकर चली है, लेकिन आयु रेखा अपने स्थान तक अच्छी खासी पहुंच रही है। इसका मतलब है आयु अच्छी है, जीवन में थोड़ा सा संघर्ष बना रहेगा, लेकिन आयु के हिसाब से देखें तो अभी भी 74-75 वर्ष की आयु आपके हाथ में लगातार यहाँ बनी हुई है। बात करते हैं चंद्र क्षेत्र पर देखिए, इतनी सारी उठती हुई रेखाएं, ये छोटी 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 रेखाएं जीवन में यात्राएं कराने में सक्षम है, दूर दराज से जोड़ने में भी सक्षम है। एक ये रेखा देखिए, चंद्र क्षेत्र से एक रेखा निकली है इस प्रकार से मुड़ती तुड़ती ये रेखा, और यहाँ केतु क्षेत्र से होती हुई पहुंच गई शुक्र क्षेत्र तक। ये स्थान परिवर्तन कराने में सक्षम है, विदेश यात्रा कराने में सक्षम है। साथ ही साथ ऐसे लोगों को चरित्र के प्रति सावधानी रखनी चाहिए, इनका किसी अन्य स्त्री की तरफ आकर्षण भी आ जा सकता है। क्योंकि जैसे मैंने इनकी मस्तिष्क रेखा के बारे में बताया कि भैया अपने दिमाग पर कंट्रोल रखो, यही मत समझो कि मैं ज़्यादा शार्प हूँ या मुझसे ज़्यादा कोई होशियार नहीं है। आप कहीं ना कहीं किसी प्रकार के ब्लेम में आ सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं। थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, अपने काम को एक ही तरफ रखिए, अपने टारगेट को एक तरफ लगा के रखिए। चंद्र क्षेत्र से जब इस प्रकार की रेखाएं निकलकर शुक्र क्षेत्र में एंट्री कर जाती हैं, तो ये यात्राएं, विदेश यात्राएं, टूर ट्रैवल से पैसा कमाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से पैसा कमाना, दूर के लोगों के साथ जुड़कर पैसा कमाना, ये तो अपने आप में एक ठीक है, लेकिन चरित्र के प्रति भी सावधानी यहाँ रखनी चाहिए, क्योंकि केतु क्षेत्र से भी ये देखाएं देखिए निकलती जा रही हैं। तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन प्लस भी है, तो यहाँ माइनस भी है। शुक्र क्षेत्र अपने आप में बहुत उत्तम है, यहाँ पर खड़ी और पड़ी हुई रेखाएं दोनों जीवन में सब प्रकार के सुख साधन, लग्जरीज को दिखाती हैं। तो आपने मुझसे सवाल पूछा था वैवाहिक जीवन के बारे में। देखिए, वैवाहिक जीवन में मंगल रेखा का कटान वैचारिक मतभेदता तो देता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे इस हाथ के अंदर नहीं दिखता कि इनका कोई डाइवोर्स हो जाएगा या ये तलाक ले लेंगे। लेकिन हाँ, वैचारिक मतभेदता दिखती है। क्या किसी से संबंध दिखते हैं? हाँ, इनका किसी के प्रति आकर्षण तो दिखता है, और यदि ये आकर्षण हुआ तो पक्की बात है एक ना एक दिन इसका खुलासा होना निश्चित है और बदनामी का पूरा कारण बन जाएगा। नास्तिक है ये स्वभाव से, तो इनके लिए उपाय बताना मैं जो समझूं जहां से ज्यादा, क्योंकि ये एक पुरुष का हाथ है, तो मैं इनकी पत्नी के लिए ये सलाह दूंगा, अगर ये बृहस्पति के व्रत रख सकती हैं तो बृहस्पति के व्रत रखें, बृहस्पति के व्रत नहीं रख सकती हैं तो वैभव लक्ष्मी के व्रत रखें। ये दोनों ही व्रत आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगे, चाहे वो बृहस्पति के व्रत हों चाहे वो वैभव लक्ष्मी के व्रत हों, उनका व्रत रखकर उसका अध्यापन है। साथ ही साथ रोजाना शाम के समय आप दुर्गा सप्तशती के अंदर तीन कवच हैं, कवच, अर्गला और कीलकम, तो पहले करना है आपको कीलकम का पाठ। ठीक है, दुर्गा सप्तशती किताब गीता प्रेस वालों की आती है, उसमें से पहले करो कीलकम, उसके बाद एक अध्याय पढ़ो, इसके अंदर है 13 अध्याय। तो पहले दिन कीलकम और एक अध्याय, अगले दिन फिर कीलकम दूसरा अध्याय, तीसरे दिन फिर कीलकम तीसरा अध्याय, चौथे दिन फिर कीलकम चौथा अध्याय, इसी प्रकार से पहले कीलकम करते हुए 13 अध्याय पूरे करने हैं 13 दिन में। उसके बाद फिर से पूजा शुरू करनी है,
वही सेम प्रोसीजर, कीलकम पहला अध्याय, कीलकम दूसरा अध्याय, इसी प्रोसेस को करिए। और जितना आप इसको शाम के समय करेंगी उतना घर के अंदर सुख समृद्धि लाएगा, शांति लाएगा, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशंस को मजबूत करेगा। साथ ही साथ अगर इनका किसी के प्रति झुकाव है तो वो भी वहां से धीरे धीरे छूट जाएगा, ये एक पक्की बात है। तो व्रत रखकर उद्यापन करना और रोजाना की जो पूजा मैंने आपको बताई है वो कीजिए। साथ ही साथ मैं आपके पति के लिए कहूंगा कि इनको एक पन्ना रतन इस वाली उंगली में धारण कर लेना चाहिए। इनके लिए, व्यवसाय के लिए, बुद्धि के तौर पर ये काफी अच्छा रहने वाला है। आप चाहें तो हमसे मंगा कर भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो लगभग हाथ में रेखाएं भी अपने आप में बेहतर हैं, उंगलियां भी बेहतर हैं, पर्वत सम है, तो ये जीवन में किसी न किसी प्रकार से सुख सुविधाएं आती रहेंगी, व्यक्ति जीवन में तरक्की करता रहेगा। बस कुछ चीजों की सावधानी इनको बताइए। मस्तिष्क रेखा का दो भागों में विभाजित होना डिसीजंस के कारण नुकसान दे सकता है। थोड़ा सोच समझ कर काम चलें, चरित्र पर संयम रखें, अपने आप को भटकाव से बचाएं। आशा करता हूं मेरे द्वारा जानकारी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। नमस्कार।